और ग्रुप प्रिंटर, प्रिंटर रहेगा अपने बॉस के कैबिन के अंदर, क्योंकि उसको डर है कि अगर एम्प्लॉइज को मैंने दे दिया तो वो लोग पेपर्स को बिना वजह प्रिंट कर करके उसका महीने का खर्चा बढ़ा देंगे। तो वो ये कहेगा कि आपको जो भी प्रिंट आउट लेना है मेरे कैबिन में आके ले ले लो। तब वो ये कहेगा कि आपको प्रिंट आउट चाहिए, आप जितने चाहे ले लो, लेकिन मेरे कैबिन में आके लेना पड़ेगा। तो बेचारा वो एम्प्लॉय जो है वो बोलेगा छोड़ यार, ज्यादा जो जरूरत नहीं उसका प्रिंट आउट नहीं निकालता, वरना सुनना पड़ेगा। इसलिए ये कैबिन के अंदर ये अपने बॉस ने प्रिंटर यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद क्या रह जाता है, ये तीनों चीज आ गई। यहाँ पे मिसलिनियस चीजें होंगी जो कि ऑफिस के जो भी पेटी आइटम्स होती है, कोई पिंस हो गए, कोई पेन हो गया, कोई पेन स्टैंड हो गया, कोई भी ऐसे लंच बॉक्स हो गया, कुछ भी यहाँ पे आप रख सकते हैं। ओके, तो नाउ कम्स द मेजर। यहाँ पे देखिए दो चीज है एक्चुअली, प्रिंटर यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी एक प्रिंटर का यहाँ पे जगह दिया है, यानी दिस बॉस इज फॉरगिविंग, यानी वो कह रहा है चलो ठीक है, मेरा बहुत ही डेडिकेटेड स्टाफ है तो इसको यहाँ पे एक बड़ा प्रिंटर देता हूँ जिसके अंदर स्कैनर भी होगा प्रिंटर भी होगा। आपने वो जेरोक्स वालों के यहाँ पे देखा होगा बड़े बड़े यूनिट्स प्रिंटर्स के। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक बड़ा स्कैनर प्रिंटर लगा देते हैं जो कि एम्प्लॉयज के पास में रहेगा। तो अभी मुझे पता नहीं है कि इफ आई हैव गॉट दैट पर्टिकुलर आइटम विथ मी, राइट, आई डोंट नो इफ दैट इज दैट आइटम इज विथ मी, लेट मी चेक। वैसे तो नहीं होगा, इट इज नॉट देयर। तो एक काम करते हैं, हम लोग डाउनलोड करेंगे नेट से। ओके, वी विल डाउनलोड फ्रॉम नेट। थ्री डी स्काई करके एक बहुत ही ज्यादा अच्छा ये है, व्हाट यू से, बहुत ही बढ़िया एक वेबसाइट है जो कि कुछ फ्री मॉडल्स देता है। इसमें ये होता है कि 90% आपको अच्छे मॉडल मिल जाते हैं फ्री में से, लेकिन कुछ कुछ मॉडल्स होते हैं जो कि बहुत ज्यादा प्रीमियम होते हैं, तो समटाइम्स वी आर नॉट दैट फॉर्चुनेट, राइट। तो Let us see if we can find good models over here. If not, तो और भी वेबसाइट्स है जिसके ऊपर से आप ले सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंटर स्कैनर प्रिंटर 3D मॉडल, वी नीड समथिंग लाइक दिस, ऐसा जो बड़ा एक होता है यूनिट, समथिंग लाइक दिस। ये देखें, दिस इज द प्रिंटर दैट वी वॉन्ट, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। विल अनजिप इट। और इसको उठा के सीधा यहाँ पे पटक दो। तो प्रिंटर इट इज गोइंग इनसाइड, देन मेक श्योर दैट इट इज नॉट गोइंग इन द ग्राउंड। ग्रुप क्लोज, अफेक्ट पिवट पॉइंट, सेंटर टू ऑब्जेक्ट। पिवट पॉइंट कहाँ पे है? नाउ दिस ऑब्जेक्ट इज अ बिट ट्रिकी,
प्राइवेट पॉइंट्स एंटर ऑब्जेक्ट, चलो ठीक है नेवर माइंड, तो थोड़ा सा फिलहाल पेंडिंग रखते हैं इस मैटर को। और यहाँ पे जो है वाटर ये है क्या कहते हैं इसको, जो भी वाटर फिल्टर है यहाँ पे, तो यहाँ पे वाटर फिल्टर फाइल सी अगर अपने को मिल जाए, ऑफिस फर्नीचर में शायद हो सकता है, इफ यू आर लकी, इसमें तो नहीं दिखा है, ऑफिस टेबल्स इसमें अगर है तो शायद वी कैन यूटिलाइज इट, इसमें भी वो आइटम नहीं है, परहैप्स वी कैन सी इट इन डेस्क स्टफ, इसके अंदर ये देखें यहाँ पे मिल गया, तो आई थिंक वी विल बी टेकिंग दिस वन 090, इट लुक्स गुड, सर्कुलर शेप है तो शायद हम ले सकते हैं, या आई थिंक दिस शुड वर्क 090, तो 090 इज द मॉडल, उठा के पटक दिया, मर्ज फाइल, सो इसका जो ओरिएंटेशन है उसको चेंज कर दो सीधा, और इसका जो इसका साइज थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, यानी इसका प्रॉब्लम ये है कि इसका जो हाइट है दैट इज गोइंग अबव अवर शेल्फ, ये शेल्फ यहाँ तक दिखाई है बट आई एम नॉट रियली श्योर ये एलिवेशन, और इसमें फिर से प्रॉब्लम है, यानी यहाँ पे ऐसा दिखाया है कि ये शेल्फ यहाँ पे खत्म हो रही है और एलिवेशन में दिखाया है कि ये शेल्फ यहाँ तक कंटिन्यू हो रही है, सो देयर इज अ मिसमैच, बट वी विल कीप इट एज इट इज, क्योंकि हो सकता है कि ये एलिवेशन गलत हो, फ्लोर प्लान सही हो, लेट अस गो बाय द फ्लोर प्लान इंस्टेड ऑफ एलिवेशन, ऐसे एलिवेशन साइड का भी गलत था सामने वाली साइड का, तो ये आपका जो वाटर फिल्टर है ये आपको मिल गया, प्रूफ कर दो वाटर फिल्टर, मुझे ये प्रिंटर अभी भी पसंद नहीं आ रहा है, आई डोंट लाइक दिस प्रिंटर एट ऑल, मैं देखता हूँ अगर मुझे छोटा भी है, और उसका क्या है देखिए इसमें होता ही है कि इसका मॉनिटर अच्छा है, इसका कीबोर्ड अच्छा है, इसका चेयर्स अच्छा है, लेकिन ये जो है ना ये थोड़ा लो डिटेल लग रहा है, या वी कैन डू दैट, एज इन ऐसा बना सकते हैं कि यहाँ पे डेस्क बना सकते हैं, यानी यहाँ पे एक ऐसे स्टोरेज जैसा कुछ बना सकते, उसके ऊपर अच्छा सा प्रिंटर लगा सकते हैं, बराबर ना, एक प्रिंटर यहाँ पे लग गया, दूसरा टेबल जो है व्हाट आई विल डू, सपोज मैं यहाँ पे इसको यहाँ तक लेता हूँ, हाइट कर लेता हूँ इसका नॉर्मल 2 feet 6 inch तक, उसके बाद इसको एडिट कॉली करके थोड़ा सा बाहर की तरफ ले लेता हूँ अप टू दिस, उसके बाद इसके एजेस को पकड़ के लॉक करेंगे चैम्फर, चैम्फर करके थोड़ा सा राउंड कॉर्नर बना लेंगे, तो ये अपना हो जाएगा एक स्टोरेज, और इसके ऊपर अपना एक अच्छा वाला प्रिंटर बैठा देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, देखिए ये जो चीजें हैं, ऑल दीज थिंग्स वर गैदर्ड बाय वर्किंग फॉर नेक्स्ट फॉर लास्ट 15 years, मैंने 15 साल तक काम कर करके एक एक करके ये सारे जो है चीजें जमा की है, ऐसा नहीं है एक बार में मैंने 100 मॉडल डाउनलोड कर लिए, जरूरत के हिसाब से ढूंढा किया, यहाँ वहाँ मिला नहीं मिला ये वो करके काफी मगजमारी हुई है इस चीज के बारे में, तो मैं ये देखिए माउस पैड यहाँ पे मिल गया, आई फेल्ट आई सॉ इट समवेयर, और यहाँ पे वो पड़ा हुआ है, ठीक है, तो मेरे ख्याल से प्रिंटर लेंगे कोई तो सस्ता वाला, 002 लुक्स ओके, ग्रुप प्रिंटर 2, और इसको बैठा देंगे अपने, इसको हम स्केल कर सकते हैं,
और देखिए ये जो होता है ना कि ये जिस तरह से इंटीरियर के अंदर ये सारी छोटी छोटी चीजें जो हम लोग डालते हैं वो जितना इम्पैक्ट करता है उतना ही सेम चीज आपके रोड, अगर आप एक्सटीरियर बनाते हो तो एक्सटीरियर में भी पेड़ पौधे, गाड़ियां, ह्यूमन फिगर्स और फॉलिएज और प्लांटर्स वो उतना ही आपके सीन के अंदर रियलिज्म लाती है। तो जब भी आपका बेस मॉडल बन जाए देन मेक श्योर दैट यू आर समवेयर ऑर द अदर फिलिंग अप दिस एंटायर रूम विद सम इंटरेस्टिंग थिंग्स, बराबर, जो रेलेवेंट है। क्या होता है ना कि ये छोटी छोटी चीजें ऐड करके आपके पूरे सीन के अंदर बहुत ज्यादा ऐसे डेंसिटी क्रिएट होती है एंड दैट इज व्हाई यू देन व्हेन यू रेंडर इट आपको बहुत अच्छे शेडो एरियाज मिलेंगे, शेडिंग मिलेगा एंड द सीन विल लुक मच मोर ब्यूटीफुल। तो उसको इग्नोर मत करना, मेक श्योर दैट यू आर एडिंग दीज टाइनी टाइनी थिंग्स हियर एंड देयर। कभी क्या होता है कि बिल्डर बिल्डिंग देख के रेंडर को अप्रूव नहीं करता, वो पेड़ पौधे देख के अप्रूव करता है, उसको हरियाली बहुत पसंद आती है। कभी कभी बिल्डिंग दिखा दिया और बोलेगा अरे इसमें बिल्डिंग में वो पेड़ पौधे नहीं है, तो जैसे ही पेड़ पौधे डालेंगे हाँ बहुत बढ़िया लग रहा है, एज इफ ही इज एक्चुअली गोइंग टू हैव सच काइंड ऑफ ट्रीज इनसाइड हिज बिल्डिंग्स, लेकिन ही जस्ट वॉन्ट्स टू सी हाँ पेड़ पौधे लग जाएंगे तो अपना बिल्डिंग कैसा दिखेगा। तो वो जो होता है उसमें ट्विग्स होती है, यू मस्ट हैव सीन के ऐसे विंडो के बाहर में थोड़े ऐसे हैंगिंग प्लांटर्स होते हैं, तो वो सारे बहुत ज्यादा मैटर करते हैं once you are done with the building। मैं माउस पैड को भी यहाँ पे लगा देता हूँ, रफली लगा रहा हूँ फिलहाल। तीनों माउस पैड यहाँ पे आ गए, माउस पैड इंस्टेंस है तो अच्छी बात ये होगी कि मान लो मैं किसी एक माउस पैड को कोई शेडर देता हूँ तो सारे के ऊपर वो इंप्लीमेंट हो जाएगा। अभी मेरे डेस्क के ऊपर कुछ चीजें आ सकती है जो कि पेन स्टैंड है, ऐसी यहाँ पे जो चीजें आप देख रहे हो, तो आपके टाइम के हिसाब से आप इसमें चाहे उतनी चीजों को यहाँ पे एड कर सकते हो, यू कैन प्लेस देम एनीवेयर यू वॉन्ट। लेकिन फिलहाल मैं एक इम्पॉर्टेंट जो चीज है यहाँ पे जो रह गई है वो है अपना पंखा, फैन रह गया है, तो मैं एक स्टैंडर्ड फैन को यहाँ पे लगा देता हूँ 101। ट्रैश कैन भी नहीं है, चलो ठीक है ट्रैश कैन भी लगा देंगे। तो ये जो पंखा है ये है आर्क मॉडल 20, मतलब ये आता है डेस्कटॉप के अंदर। तो डेस्कटॉप में जाएंगे और इसमें जाएंगे, नंबर था 101, देखिए इसमें जो पुराने मॉडल्स जब डाउनलोड करते थे उस टाइम पे आपके मॉडल के साथ में वो कैमरा और लाइट भी दे देते थे बिना वजह, तो नए वाले आर्क मॉडल्स आने शुरू हो गए तो उन्होंने खुद ने सोचा कि भाई हम ये सब क्यों दे रहे हैं, क्योंकि एनीवेज ये तो डिले होने वाला है, तो इस वजह से वो सिर्फ रेंडर के लिए देते थे, बाद में देना बंद कर दिया। सीधा आप मॉडल उठाओ अपने सीन में डालो और काम खत्म करो। इसका जो पिवट पॉइंट है टॉप पे बैठा दिया है, अपना जो इसका इंडिकेशन है वो है यहाँ पे, इसका जो मैंने शायद इलेक्ट्रिक लेआउट हाइड कर दिया है तो उस मेरे ख्याल से अनहाइड करना चाहिए इलेक्ट्रिकल लेआउट अकॉर्डिंगली। इस फैन को वहाँ पे लगना चाहिए उतने ही बाउंड्री के अंदर, यूनिफॉर्म स्केल करूँगा अदरवाइज उसका जो पंखे वो जो इसकी विंग्स है वो छोटी हो जाएगी और उसका हाइट बड़ा हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट मे हैव हैपेंड। तो ये स्टैंडर्ड पंखा है जो कि बहुत ज़्यादा गरीबों का पंखा लग रहा है, राइट, दिस फैन इज लुकिंग लाइक टू एवरेज। तो मैं चाहूंगा कि इसकी जगह पे थोड़ा सा स्टाइलिश पंखा लगाऊं जो कि है 104, आई थिंक 104 इज अ बिट टू स्टाइलिश बट इट्स ओके, मेरी ऑफिस मुझे जो करना है मैं करूंगा। तो मैं ये जो पंखा था उसको रिप्लेस करके ये वाला पंखा लगा देता हूँ, इसका भी ये सब डिलीट करना पड़ेगा, लाइट कैमरा प्लस वी रे प्लेन, और ये पंखे को ग्रुप करूंगा न्यू फैन, इसका भी पिवट पॉइंट मुझे करना पड़ेगा टॉप पे, लेके जाऊंगा यहाँ पे और पहले वाला पंखा डिलीट कर लूंगा और इस पंखे को स्केल कर लूंगा एज पर अवर डायमेंशंस, ये बाउंड्री में होना चाहिए, ठीक है।
ओके, तो ये चीज अपनी हो गई पंखे वाली। पंखा टॉप पे है, सीलिंग पे? आई थिंक हीट इज एट द सीलिंग। पंखा हो गया, अभी कौन सी चीज रह जाती है? मेरे ख्याल से कोई भी खास ऐसी बड़ी चीज नहीं रहती जो कि हमारे इस रूम को इनकम्प्लीट रखे। तो मेरे ख्याल से इतना होने के बाद अभी मैं लेके जाऊंगा इसको Max 21 में। ठीक है, Max 21 में, इसलिए क्योंकि जो इसको टेक्सचरिंग शेडिंग देनी है वो उसमें शायद फास्ट हो जाए। एक आध दो मटेरियल यहाँ पे अप्लाई कर लेता हूँ, उसके बाद बाकी के जो है वो सब वहां पे अप्लाई कर लूंगा। ये स्टोरेजेस है, इसको स्प्लिट करना पड़ेगा। मैंने इसका जो खांचा है वो बनाना पड़ेगा कनेक्ट, शैम्फर, और इसके बाद अंदर एक्सट्रूड। ये स्टोरेजेस हो गए, यहाँ पे भी सेम चीज करनी पड़ेगी। और मजे की बात यह है कि मान लो कि आपके मैश काउंट अगर एक मॉडल के अगर सेम है, यानी इसके अंदर भी एक भी सबड्यूज नहीं था और अपने बाजू वाले बॉक्स में भी एक भी सबड्यू नहीं है, और अगर मैं ट्राई करूँ कि इसका जो एडिट पॉली है अगर इस बॉक्स पे भी लग जाए, यानी आई एम जस्ट कॉपिंग इट एंड पेस्टिंग इट हियर, देन लेट अस सी व्हाट हैपेंस। ये देखिए यहाँ पे भी वो लग गया। अभी ये बहुत रेयरली होता है, बट बिकॉज कि इसके अंदर भी कोई सबड्यूज नहीं थे और वो वाले बॉक्स में भी कोई सबड्यू नहीं थे, तो भले इसका साइज डिफरेंट हो लेकिन इसका एडिटिंग जो था वो फट से यहाँ पे बैठ गया बिना किसी प्रॉब्लम के। और एक लास्ट चीज यहाँ पे रहती है, वो है ये वाला जो पार्टीशन है। तो पार्टीशन में ये होगा दैट इट विल बी हैविंग अ ग्लास ग्लास पार्टीशन, राइट? यानी एक फ्रेम होगी बाहर की तरफ जो कि शायद 3-4 इंच की हो सकती है, और बीच में जो रहेगा वो ग्लास रहेगा, बराबर? तो मैं एक काम करता हूँ, इसको इंसेट करता हूँ, यानी इसका थिकनेस जो है वो 3 इंच होगा, 3 या 4 इंच। ठीक है, ये इसका थिकनेस हो गया। और उसके बाद में ये जो प्लेन है इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ, एंड आई विल बी फिलिंग अप दिस पर्टिकुलर बॉर्डर। इसको मैं दोनों को ब्रिज कर देता हूँ, सो नाउ दिस बिकम्स माई फ्रेम। और इसके बीच में मैं एक एडिशनल ग्लास बना लेता हूँ यूजिंग अ बॉक्स। तो ये हो जाएगा उसका बीच वाला ग्लास। ठीक है, तो ये हो गया आपकी फ्रेम और बीच का हो गया ग्लास। अभी मैं चाहूंगा कि इसके अंदर वो पट्टियां आ जाए, बराबर है? यानी कि इसमें जो बीच बीच में जो मैं बता रहा था कि फ्रॉस्टेड ग्लास होता है तो बीच में पट्टियां होती है प्राइवेसी के लिए। तो सपोजिंग इफ आई एम गिविंग इफ आई एम कनेक्टिंग, यानी इसके बीच में सेगमेंट्स डाल देता हूँ, तो आई एम सिलेक्टिंग दीज टू एजेस, ये साइड वाले वर्टिकल एजेस को सिलेक्ट करके इफ आई एम कनेक्टिंग देम तो मुझे एजेस मिल जाएंगे बहुत सारे, करेक्ट? इतने सारे मेरे ख्याल से 14 तक, ठीक है। और इसके बाद ये होगा कि मैं ये जो ऑल्टरनेट फेसेस है उन सबको आईडी दे दूंगा, करेक्ट? यानी कि इसको क्या, इसको ऑल्टरनेटिवली आई एम सिलेक्टिंग देम, तो ये हो गया आपका मटेरियल आईडी नंबर 1, सेट आईडी 1, एंड जो इसको छोड़ के बाकी सारे फेसेस हैं सिलेक्ट इनवर्ट, नाउ दिस विल बी नंबर 2। 2 प्रेस करके एंटर प्रेस कर दिया। नाउ जस्ट टू चेक वेदर दिस डिस्ट्रीब्यूशन हैज बीन डन प्रॉपरली, तो मैं एक मल्टी सब ऑब्जेक्ट ले लूंगा, मल्टी सब ऑब्जेक्ट, आइदर वेज कीप ओल्ड मटेरियल क्योंकि वैसे भी रिप्लेस होने वाला है, सेट नंबर एस 2 बिकॉज देयर इज ओनली 2 सेपरेशन इन दिस वन ऑब्जेक्ट। स्टैंडर्ड मटेरियल जो पहला रहेगा उसको मैं रिप्लेस करूंगा विथ वीरे मटेरियल जो कि रहेगा व्हाइट, सिर्फ विजुअल रेफरेंस के लिए। इसी को मैं नीचे कॉपी कर लेता हूं, इसको बना लूंगा ब्लैक। और अभी मैं अगर इसके ऊपर इंप्लीमेंट करता हूं तो अगर मेरा सिलेक्शन ठीक था तो जीब्रा पट्टा जैसा लगेगा, करेक्ट? जीब्रा क्रॉसिंग जैसा लगेगा। आई विल जस्ट से रिप्लेस दिस हैज अ पार्टीशन, पार्टीशन ग्लास। देखिए ये जीब्रा क्रॉसिंग जैसा यहाँ पे लग रहा है, दैट मींस कि जो व्हाइट एरिया है उसको मैं फ्रॉस्टेड बनाऊंगा, जो ब्लैक एरिया है उसको मैं बनाऊंगा ट्रांसपेरेंट ग्लास या तो ब्लूइश ग्लास, बराबर? तो ये सेपरेशन हो गया, और क्या बच जाता है? और कुछ भी नहीं बचता। और एक चीज बच जाती है, वो है अपना ये
विंडो या तो ये जो पार्टीशन का डोर है, तो डोर को भी मेरे ख्याल से वहीं पे देख लेते हैं। विल फिट इन